आमेर का किला। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। ये जयपुर का प्रधान पर्यटक स्थल है। आमेर का कस्बा मूल रूप से स्थानीय मीनाए द्वारा बनाया गया, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने राज किया। इस दुर्ग का निर्माण एवं करवाया। ये दुर्ग महल एवं कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैलियों की घटकों के लिए भी जाना जाता है। आमेर किले की स्थापना मूल रूप से 967 ई में राजस्थान की मीनाए वंश द्वारा राजा एलान सिंह द्वारा किया गया। वर्तमान आमेर दुर्ग जो दिखाई देता है वो आमेर के कछवाहा राजा मानसिंह की शासनकाल में पुराने किलों के अवशेषों पर बनाया गया। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन के पास प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की यूनेस्को टीम का आकलन समिति के प्रतिनिधि जयपुर आए और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। तत्पश्चात मई 2013 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। इसकी औपचारिक घोषणा 21 जून 2013 को की गई। आमेर किले में बहुत सारी हिंदी फिल्म की शूटिंग भी हुई है। फिल्मी जगत के फिल्मों में से दिखाया गया इसका ताज़ा उदाहरण फिल्म बाजीराव मस्तानी है, जिसमें मोहिर रंगदोलाल नामक गीत पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कथक नृत्य इसी दुर्ग की पृष्ठभूमि पर रखा गया है। इसका मंचन केसरी ब्याची बगीचा में हुआ है। इसके अलावा मुगले आजम, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमान, भूल भुलैया आदि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी आमेर के किले में हुई है। इसके अलावा कुछ हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग आमेर के किले में हुई है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द बेस्ट एक्जॉटिक मैरीगोल्ड इत्यादि। तो मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा देवनाथ केडी ट्रेवल ब्लॉग की तरफ से। आइए चलते हैं आमेर फोर्ट के अंदर और आपको एक एक चीज दिखाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आमेर फोर्ट, जयपुर, राजस्थान। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वादे के अनुसार एक और विश्व विरासत स्थल की वीडियो लेकर मैं आया हूँ। मैं हूँ कृष्ण देवनाथ और मैं आज आया हूँ जयपुर के आमेर फोर्ट की ब्लॉग बनाने। आज हम आपको सफ़र कराएंगे जयपुर का आमेर फोर्ट। मेरे साथ चलिए जयपुर का आमेर फोर्ट। तो जयपुर के आमेर फोर्ट में हम एंट्री कर चुके हैं। तो इस साइड से हमने एंट्री की है, यहाँ से। तो यहाँ से हमने शुरुआत करते करते यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर हम चढ़ेंगे। तो आमेर फोर्ट के ऊपर तक जाने के लिए हमें 1 किलोमीटर का सफ़र चढ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए चलते 1 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। तो हम आपको बता दूं, आमेर फोर्ट इसका निर्माण 967 सन में हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 2013 में इसको यूनाइटेड नेशन ने विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। आमेर फोर्ट में आप हाथी की भी सवारी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे हाथी, आप हाथी की सवारी कर सकते हैं और जो है 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के हाथी वापस यहाँ पर ले आएगी आपको। तो ये हाथी की सवारी आप कर सकते हैं, 1100 रुपये लगेंगे और ये आपको जो है ना यहाँ से लेकर आमेर फोर्ट के ऊपर किले तक ले जाएंगे और किले पर ले जाके आपको छोड़ देंगे, फिर आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो हाथी की सवारी आप 1100 रुपये में कर सकते हैं। ये पानी का स्रोत है, ये देखिए ये नाले बने हुए हैं और ये बगीचा, इसमें पानी होता था और रानी महारानी यहाँ पर आके सैर सपाटा करते थे। तो 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के ऊपर। यहाँ ऊपर जाने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। एक तो आप मेन रोड से जा सकते हैं इधर से, तो उसके लिए आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। और अगर इन सीढ़ियों से जाते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। आप जो है ना शॉर्टकट आमेर फोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से ये आ गए हम शॉर्टकट से, इन सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे महल के ऊपर।
आमेर फोर्ट की पहली मंजिल पर आ चुके हैं हम शॉर्टकट रास्ता लेकर। आइए चलते हैं ऊपरी मंजिल पे, महल के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। आमेर फोर्ट की दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं शॉर्टकट सीढ़ियों का सहारा लेकर, और बाकी अंदर महल में जाने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। आइए चलते हैं उन्हीं सीढ़ियों से। आमेर फोर्ट के चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए दीवारें बनी हुई है, देखिए ये, ताकि आमेर फोर्ट की रक्षा कर सके दीवारें। और यहाँ पर सैनिक रहते थे और आमेर फोर्ट की रक्षा करते थे। यहाँ से ये आमेर फोर्ट के स्टार्टिंग में एक झील है, ये देखिए झील। आमेर फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। ये क्या के लोकल, ऐसे रास्ता गए, इसी रास्ता से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओरिजिनल धुन। तो यहाँ पर मनोरंजन का भी पूरा साधन है, मनोरंजन की भी व्यवस्था है। तो म्यूज़िक की आवाज़ आपने सुनी होगी। तो यहाँ के जो इनको तो मैं महान संगीतकार कहूँगा, जो भी धुन आप बजवाना चाहे बजवा लीजिए। तो कला की कदर करनी चाहिए, ये मुफ्त की पैसा नहीं ले रही है, अपनी कला को दिखा के ये पैसा ले रहे हैं, पैसा ले नहीं रहे हैं। एक जिसकी इच्छा हो दे, जिसकी इच्छा हो ना दे, तो इच्छा अनुसार है। आपको संगीत, हर कोई संगीत के पसंद आ रहा है यहाँ पर, तो संगीत को मैंने पसंद किया और आपको दिखाया। अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं, जीप से आना चाहते हैं, तो ये रोड है, डायरेक्ट आप गाड़ी से आ सकते हैं। बाइक है, गाड़ी है, या जीप आप हायर भी कर सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाना है, माफ़ कीजिएगा, अगर आपको पैदल आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये इस रूट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे मैं आ रहा हूँ, इस रूट से हम आ रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, यानी कि आधा रास्ता मैंने तय कर लिया अभी। तो ये दोनों रास्ते मैंने आपको दिखा दिया है, एक शॉर्टकट पैदल के लिए और एक गाड़ी से आप जा सकते हैं। तो मैं पैदल ही सफ़र कर रहा हूँ। ये दूसरा गेट आ गया है, पहला गेट में अंदर एंट्री कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो ये दूसरा गेट है। एक और एंट्री गेट है, आइए चलते अंदर। ये मेन एंट्री गेट में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको ये तोप मिलेंगे दो, ये देखिए एक और ये दो। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है महल की। तो ये है सारा का सारा महल, पीछे भी है इधर, और इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है।
मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ये परिसर है, इस परिसर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए आप तो छतरी लेके फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप राजस्थानी पारंपरिक परिधान में फोटोग्राफी कर सकते हैं। राजस्थानी जो पारंपरिक पगड़ी है उस पगड़ी को लेके हायर करके 10 रुपये में आप पगड़ी लीजिए और सर पे लगाइए और फ़ोटो खींचिए। मेन परिसर में आ गए हैं, मेन परिसर में फ़ोटोग्राफी कीजिए, राजस्थानी परिधान में राजस्थानी पारंपरिक पगड़ी में फ़ोटोग्राफी कीजिए। महल के अंदर तो एंट्री कर चुके हैं, दूसरे लोकेशन को देखते हैं। आइए चलते हैं दूसरे लोकेशन में, महल के अंदर आमेर फोर्ट जयपुर। तो यहाँ पर SBI का एक ATM है आमेर फोर्ट के अंदर ही, अगर किसी को कैश की ज़रूरत है तो यहाँ से ATM से पैसे निकाल सकते हैं। ये आमेर फोर्ट के बगल से ये जो है ना, ये जैगर फोर्ट है, ये देख सकते हैं आप जैगर फोर्ट, ये देखिए जैगर फोर्ट। और ये पूरा सिटी देख सकते हैं आप आमेर फोर्ट में, आमेर फोर्ट से के ऊपर से ये एग्जिट गाड़ी के लिए। अब इस परिसर से आइए चलते ऊपर, शिला माता का मंदिर आमेर फोर्ट में, देखिए इधर से शिला माता का मंदिर। ये है शिला माता का मंदिर। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको सिंह पोल यानी कि लॉयन गेट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी से अंदर प्रवेश करेंगे हम, तो आइए चलते हैं अंदर। क्या काम था राजा का, प्रजा का क्या काम था उस समय? कोई प्रजा राजा की काम प्रजा करती थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राजा का महल है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए 100 रुपीज़ की टिकट है। तो आप टिकट यहाँ से नीचे काउंटर से लीजिए, यहाँ काउंटर से टिकट लीजिए और यहाँ से एंट्री करवाइए और अंदर जाके आप अंदर के जितने भी नज़ारे हैं, जितने भी लोकेशन है देख ले, तो आप देख सकते हैं। चले आइए, विश्व विरासत स्थल आमेर फोर्ट से मैं कृष्ण देवनाथ वीडियो के आखिरी पल में आ गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा वीडियो में कोई भी कमी होगी मुझे बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में अपने आपको सुधार कर सकूं, अपनी वीडियो में सुधार ला सकूं, निरंतर सुधार ला सकूं। वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आमेर फोर्ट विश्व विरासत स्थल जयपुर से मैं कृष्ण देवनाथ अब तो अभी के लिए विदा लेता हूं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय मित्रों।